दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में अब फ्री में नहीं मिलेगा घरों में आने वाला पानी, देने होंगे इतने रुपए। जी हाँ, बिहार में घरों तक पहुंचने वाला पानी अब मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार रुपये वसूलेगी। इसके अलावा पानी की बर्बादी के लिए भी बिहार सरकार ने एक योजना बनाई है। इसको लेकर कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। PHD यानी पंचायती राज विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत लगभग 1,84,00,000 से अधिक परिवारों को टैब से घरों में शुद्ध पानी पहुंचाया गया है। योजना के तहत पानी की बर्बादी रोकने के लिए कैबिनेट से मेंटेनेंस पॉलिसी की स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद अब सभी लाभार्थियों को हर महीने 30 रुपये देना होगा। अगली बड़ी खबर, राज्य में मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा शुल्क वापस होगा। जी हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर 2021 के कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका इस बार बिहार बोर्ड नहीं देगा। कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। ऐसे में कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2021 के लिए जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क कॉलेज या स्कूल द्वारा लिया गया था, अब बोर्ड द्वारा उन कॉलेज और स्कूल के बैंक खाते में राशि वापस दी जाएगी। ज्ञात हो कि विशेष परीक्षा में उन छात्रों को बोर्ड मौका देता है जो किसी वजह से वार्षिक परीक्षा के समय परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाते हैं। वहीं आपको बता दें कि बोर्ड ने अतिरिक्त ग्रेस अंक से उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों का अंक पत्र बोर्ड वेबसाइट पर डाल दिया है। इसमें इंटर के 97,474 और मैट्रिक के 1,20,971 परीक्षार्थी शामिल है। अगली बड़ी खबर, बिहार में किसी भी जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं, आपदा प्रबंधन विभाग ने दी जानकारी। जी हां, गंडक नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। बाढ़ से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, इस बात की जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग ने दी है। विभाग ने बताया कि बिहार के किसी भी जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं है। हालांकि अभी भी नदी के जलस्तर और तटबंधों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखी जा रही है। बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी मिलते ही तुरंत सभी जिलों को सूचित किया जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्य को लेकर कई जिलों में NDRF एवं SDRF की तैनाती की गई है। NDRF की तैनाती सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, किशनगंज, कटिहार और पटना में की गई है। वहीं सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोपालगंज, वैशाली और पटना में SDRF की भी तैनाती की गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर, फिर से पटरी पर दौड़ेगी 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर की रफ्तार धीमी पड़ते ही अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ट्रेन और फ्लाइट की संख्या भी कम कर दी गई थी। इसी बीच रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने 24 जून से 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि गर्मी की भीड़ को दूर करने के लिए 24 जून से मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, पटना, भभुआ रोड, दानापुर, राजगीर, धनबाद, रांची, हावड़ा धनबाद, रांची देवघर और गया धनबाद रोड पर विशेष यात्री ट्रेनों की सेवाएं बहाल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इसी बीच बिहार डेली पैसेंजर एसोसिएशन ने रेलवे अधिकारियों से पटना बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पटना, पटना बरौनी वाया पाटलिपुत्र जंक्शन, पटना झाझा, दानापुर मोकामा सासाराम पटना और इस्लामपुर पटना मार्ग जल्द से जल्द मेमू ट्रेनों की सेवाएं बहाल करने की गुजारिश की है। अगली बड़ी खबर, बिहार में पहले खुलेंगे कॉलेज फिर होगा स्कूल पर फैसला। स्कूल रीओपन पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कही है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को खोलने के अनुकूल परिस्थितियां आने पर सबसे पहले कॉलेज और समकक्ष उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ किया कि 4 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने साफ किया कि स्कूल को खोलने का अभी कोई विचार नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों के खुलने के बाद परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही सरकार स्कूल खोलेगी। फिलहाल कोरोना की संभावित लहर और वर्तमान स्थितियों पर शिक्षा विभाग की पूरी नज़र है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि विभाग बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से कोई समझौता नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर, वायु प्रदूषण कम करने को नए पाथवे पर चलेगा बिहार, दो उपायों पर 2040 तक के लिए योजना बनी। जी हां, कार्बन उत्सर्जन कम करने को बिहार नए पाथवे पर चलेगा। बिहार देश में पहला पाथवे वाला प्रदेश होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच दो बैठकें हो चुकी है और समझौता पत्र तैयार हो चुका है। इसका निर्माण UNEP के निर्देश पर होगा। इस प्रोजेक्ट पर 2040 तक का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ उसके अवशोषण के उपाय भी किए जाएंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक घोष कहते हैं कि दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन वातावरण का तापमान बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन रोकना बहुत जरूरी है। कार्बन पाथवे उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। आपको बता दें कि कार्बन पाथवे एक ऐसा क्षेत्र है जहां कार्बन के उत्सर्जन एवं अवशोषण में संतुलन बना रहता है। सामान्यतः स्वच्छ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होनी चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा होगी तो वायु को प्रदूषित माना जाएगा। राज्य में कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है तो उसके अवशोषण के भी उपाय किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, भारत को जल्द मिलेगी एक और स्वदेशी वैक्सीन, पटना एम्स में कार्बोवैक्स का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू। जी हां, जापानी इंसेफलाइटिस वैक्सीन और टिटनेस के लिए एंटी सीरम तैयार करने वाली हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई कोविड वैक्सीन कार्बोवैक्स का तीसरे चरण का परीक्षण पटना एम्स में शुरू हो गया है। 100 लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। इस वैक्सीन के भी दो डोज होंगे, यह जानकारी एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने मंगलवार को दी है। बताते चले कि यह कंपनी पहले ही जॉनसन एंड जॉनसन समेत वैक्सीन बनाने वाले चार कंपनियों के साथ काम कर रही थी। इस स्वदेशी कंपनी को भारत सरकार के सहयोग के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग से 100 करोड़ की वित्तीय सहायता व अन्य तकनीकी सहयोग भी मुहैया कराए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पटना में एक बार फिर बड़ा कोरोना का ग्राफ, मिले 71 संक्रमित। जी हां, पटना में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बुधवार को पटना में 71 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। इससे पहले मंगलवार को 55 जबकि रविवार को 27 नए संक्रमित मिले थे। आपको बता दें कि अनलॉक होने के बाद एक दिन छोड़कर पिछले 10 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या 30 से 50 के बीच रही थी। सक्रिय संक्रमितों की संख्या में भी पिछले एक सप्ताह से पहली बार 40 की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को मिले नए संक्रमितों में ज्यादातर कंकड़ बाग, शास्त्री नगर, बोरिंग रोड, एसकेपुरी, फुलवारी, दानापुर इलाके में मिले हैं। इन्हीं इलाकों में सक्रिय मरीजों की संख्या भी ज्यादा है। ये ऐसे इलाके हैं जो दूसरी लहर के दौरान भी सर्वाधिक संवेदनशील थे। अगली बड़ी खबर, बिहार में शुक्रवार से लगेगा स्पुतनिक का टीका, पटना के मेदांता अस्पताल में सरकार द्वारा तय दर पर वैक्सीनेशन। जी हां, बिहार में पटना में भी अब कोरोना से बचाव के लिए लोग रूसी टीका स्पुतनिक का डोज ले सकेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत पटना के नवनिर्मित जय प्रभा मेदांता अस्पताल से होगी। शुक्रवार से मेदांता के कर्मी और आम लोग भी यह टीका ले सकेंगे। मेदांता के एसोसिएशन डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर सिंह ने बताया कि स्पुतनिक टीका लगाने की सभी आवश्यक तैयारी अस्पताल में कर ली गई है। आपको बता दें कि टीका आज यानी गुरुवार की सुबह तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लोगों के लिए टीका उपलब्ध हो सकेगा। स्पुतनिक टीके की सप्लाई सीधे कॉरपोरेट अस्पतालों को ही की जा रही है। मेदांता के अलावा बिग अपोलो में भी लोगों के लिए यह टीका जल्दी उपलब्ध होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के 27 जिलों में पेट्रोल की कीमत ने लगाया शतक, इस जिले में सबसे ज्यादा दाम। जी हां, देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। खासकर समाज के मध्यम आय वर्ग के लोगों को पेट्रोल और डीजल की रोजाना बढ़ रही कीमतों की वजह से काफी परेशानी हो रही है। उनके जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। बिहार की बात करें तो यहाँ 27 जिलों में पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगाया है। इन जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में
में मंगलवार को राज्य भर में सबसे ज्यादा 101.93 रुपए पर पेट्रोल बिकी है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिले जिसमें पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार चला गया उनमें सीतामढ़ी, बेतिया, बांका, कैमूर, भागलपुर, मोतिहारी, लखीसराय, सुपौल, मुंगेर, बक्सर, जमुई, किशनगंज, अररिया, सासाराम, कटिहार, पूर्णिया, गोपालगंज, शेखपुरा, मधेपुरा, सहरसा, गया, नवादा, आरा, सिवान, दरभंगा, छपरा और मुजफ्फरपुर शामिल है। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन से जिले में रहते हैं और साथ ही हमें नीचे पेट्रोल की कीमत के बारे में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर, बिहार में अगले दो दिनों तक नहीं बदलेगा मौसम। बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद सहित 7 जिलों में 48 घंटे तक विशेष अलर्ट। मधुबनी, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर में हल्की बारिश के आसार। जी हां, बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। आने वाले दो दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। राज्य के 7 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में 24 से 48 घंटे में बारिश का विशेष अलर्ट है। वहीं मधुबनी, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। पटना, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली, पूर्वी चंपारण में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में सामान्य अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आम तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली का खतरा होगा। दक्षिणी पूर्व बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड ने जीता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराया। जी हां, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन के एजिस बाउल मैदान पर खेला गया। रिजर्व डे के दिन न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया ने जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को कीवी टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 52 और रॉस टेलर 43 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की दूसरी पारी 170 रनों पर सिमट गई थी। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से भारत की दूसरी पारी में टीम साउदी ने 4 और ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 रन बनाए थे। वहीं भारत की पहली पारी में कीवी टीम ने 217 रन पर समेट दिया था जिसमें काइल जेमिसन ने 5 विकेट लिए थे। अगली बड़ी खबर, पहली बार ग्रेजुएट एग्जाम में नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर लगेंगे जेमर। छात्रों को घर पर छोड़कर आनी होगी ये चीज। जी हां, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर सहित 5 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए जेमर लगाए जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा लिए जाने के फैसले के बाद गोपनीयता के मुद्दे पर एकेडमी काउंसलिंग व सिंडिकेट की बैठक में बात आई थी। विश्वविद्यालय की ओर से तय किया गया कि सभी केंद्रों पर जेमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा में मोबाइल आदि का उपयोग ना हो सके। विश्वविद्यालय के परीक्षा में पहली बार जेमर की व्यवस्था की जा रही है। परीक्षा के लिए 5 जिलों में 35 केंद्र होंगे। इसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी व पश्चिम चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी के परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी। अगले महीने होगी काउंसलिंग। जी हां, बिहार में शिक्षक की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो गया है। बिहार सरकार की ओर से काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 15 अगस्त से पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट को नौकरी हो जाएगी। बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से जारी काउंसलिंग संबंधित शेड्यूल के अनुसार 5 जुलाई को जिला मुख्यालय के नगर निकाय नियोजन इकाई, 7 जुलाई को जिला मुख्यालय में प्रखंड नियोजन इकाई और 12 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय में पंचायत नियोजन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी।
और अंत की बड़ी खबर, इंटर पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। जी हां, हाल ही में शुरू हुई मुख्यमंत्री युवा व महिला उद्यमी योजना के तहत मुजफ्फरपुर के 400 युवा लाभान्वित होंगे। वे खुद का उद्योग धंधा शुरू कर सकेंगे। इसके लिए उद्योग विभाग ने जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। नई योजना के तहत सामान्य वर्ग के 200 युवाओं व 200 महिलाओं को उद्योग धंधे के लिए 10-10 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपए किस्तों में वसूल किए जाएंगे। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य निर्धारण के बाद युवाओं ने उद्योग विभाग के पोर्टल पर आवेदन शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग ने दोनों योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की है। योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर व उम्र 18 से लेकर 50 साल निर्धारित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि प्राप्त आवेदन 15 दिनों में राज्य स्तरीय चयन समिति को भेजी जाएगी। इसके बाद जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में सही पाए जाने पर आवेदकों को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान DPR तैयार कर लेनी होगी। योजना के तहत मिली प्रथम किस्त की राशि 30 दिनों में खर्च कर जिला उद्योग केंद्र को सूचित करनी होगी। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में जैमर लगाने का फैसला सही या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।